एक आम इंसान, पतला सा आम इंसान भी एक स्टेज पे खड़े बॉडी बिल्डर को आराम से मार सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बॉडी बिल्डर जो रहते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रहते हैं? अगर मैं बोलूं कि वो वन ऑफ द वीकेस्ट है तो आप मानोगे? जी हाँ, वो वन ऑफ द वीकेस्ट है, लेकिन क्यों? एंड बॉडी बिल्डिंग को ओलंपिक्स में कंसिडर क्यों नहीं किया जाता? क्यों बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स नहीं है? सो वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बॉडी बिल्डिंग जो है वो कहां पर जा रही है। सो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज फॉलो अवर अदर सोशल मीडिया पेज ऑल्सो। सो दोस्तों चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि क्यों बॉडी बिल्डिंग को जो है वो स्पोर्ट्स नहीं कहा जाता। देखिए, स्पोर्ट्स उसे कहते हैं जिसमें एथलेटिज्म हो। जैसे एक 100 मीटर वाला स्प्रिंट करता है, तो दैट इज कॉल्ड एथलेटिज्म। एक वेट लिफ्टर जो लिफ्ट करती है, मींस ही इज परफॉर्मिंग समथिंग, ही इज परफॉर्मिंग, मतलब वो जितना जो कर सकता है, जितना वो कर सकती है वो करता है, सो दैट इज कॉल्ड एथलेटिज्म। बॉडी बिल्डिंग में एथलेटिज्म नहीं है, उसमें आपको मसल्स को ग्रो करना है और आपको शो करना है, सो दैट इज नॉट कॉल्ड एज एन एथलेटिज्म। एथलेटिज्म उसे नहीं बोलते। एथलेटिज्म स्विमिंग को बोलते हैं, एथलेटिज्म जो है वेट लिफ्टिंग को बोलते हैं, एथलेटिज्म 100 मीटर्स एंड 200 मीटर्स को बोलते हैं, हर्डल्स को बोलते हैं, ये हो जाती है एथलेटिज्म। और एक बात मैं जो है आपको बताना चाहता हूं कि जो रिजल्ट्स जो देते हैं वो टाइम के हिसाब से जो जज किया जाता है, मतलब एक स्प्रिंटर कितने टाइम में सबसे पहला आया, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। एक वेट लिफ्टर वेट लिफ्ट किया तो किससे सबसे ज्यादा वेट लिफ्ट किया तो ही इज कंसिडर एज ए गोल्ड विनर। स्विमर फर्स्ट आया, दैट्स इट। जो जैवलिन थ्रो करते हैं, सबसे आगे थ्रो किया फर्स्ट, सो उसे डायरेक्टली जज किया जाता है कि हाँ भाई ये। सो बॉडी बिल्डिंग, डांस, ये सब हो गया, उसे जजमेंट के बेस पे कंसिडर किया जाता है, इसे इस करके भी उसे स्पोर्ट्स की गिनती में नहीं लेते। जहां पर पता लगता है सीधा सीधा कि ये बंदा फर्स्ट आने वाला है, ये बंदा विनर है, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, तो उसे बोलते हैं कि राइट थिंग टू कंसिडर। बॉडी बिल्डिंग में सबके मसल्स जो है इक्विवेलेंट रहते हैं, सिर्फ ऊपर नीचे रहते हैं, सिर्फ कम छोटे रहते हैं, सब लोग शेप में रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एन आर्ट, क्योंकि उन्होंने हमारी अपनी बॉडी को तराशा है। दैट इज कॉल्ड एज एन आर्ट, दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ स्पोर्ट्स। क्योंकि स्टेज पे जब शो करते हो तो जज को वो नहीं पता होता है कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा, वो नहीं पता रहता, क्योंकि सब जन जो है, सब बॉडी बिल्डर्स जो है एक जैसे ही दिखते हैं स्टेज पे। किसके क्वाड्स बड़े हैं तो अपर छोटा है, समझ गए, तो किसका जो है प्रोपोर्शनेट नहीं रहता वो विनर हो जाता है। तो यहां पर जो है आर्ट कंसिडर किया जाता है। ओलंपिक्स ने, जहाँ पर ओलंपिक्स जो है इतना बड़ा स्टेज है, उन लोगों ने ही बॉडी बिल्डिंग को जो है स्पोर्ट्स कंसिडर किया ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ स्पोर्ट्स, इट इज जस्ट एन आर्ट। वो एक आर्ट है जो अपनी बॉडी को तराशते हैं और स्टेज पे शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ आर्ट। तो आपको समझ में आ गया कि बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स क्यों नहीं है। अभी मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, क्यों बॉडी बिल्डर्स वन ऑफ द वीकेस्ट होते हैं, क्यों वो स्टेज पे इतने वीक क्यों होते हैं, क्यों कमजोर होते हैं? मसल्स को पूरा दिखाने के लिए सबसे पहले तो वो कार्ब्स का बहुत भयानक कट डाउन करते हैं। जी हाँ, प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हैं, कार्ब्स का कट डाउन करते हैं। ज्यादा प्रोटीन लेने से भी किडनी का डैमेज होता है, उसका वीडियो हमने बनाया, वो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। जब आप कार्ब्स कम कर देते हो सो आपका जो है स्ट्रेंथ लॉस होना चालू हो जाता है। उसके अलावा जो बॉडी बिल्डर्स जो है वो शुगर बंद कर देता है, मतलब एकदम ना के बराबर कर देता है, मींस 10 ग्राम्स अ डे, 15 ग्राम्स अ डे। लेकिन जब कंपटीशन के एक महीने पहले वो शुगर बंद, सॉल्ट बंद, कार्ब्स बंद, सो दोस्तों आपको पता है कि आपको ताकत किधर से मिलती है? शुगर से, कार्ब्स से, ये सब चीज़ों से ताकत मिलती है। प्रोटीन इज अ सेकेंडरी सोर्स। और मसल्स जो दिखाते हैं स्टेज पे, कितने सारे बॉडी बिल्डर्स जो है वो कोलैप्स हो चुके हैं, कितने सारे बॉडी बिल्डर्स जो है मर भी चुके हैं, जो लोग बॉडी, क्योंकि वो इतने वीक होते हैं, कितना किसका किडनी डैमेज, किसी को हार्ट अटैक, बॉडी में सोडियम की कमी, बॉडी में वाटर की कमी, जिसकी वजह आप जो है बॉडी बिल्डर्स जो अपनी लाइफ के साथ खेलते हैं, क्योंकि जब भी वो स्टेज पे होते हैं वन ऑफ द वीकेस्ट होते हैं। एक आम इंसान, पतला सा आम इंसान भी एक स्टेज पे खड़े बॉडी बिल्डर को आराम से मार सकता है, आराम से मार सकता है, वन ऑफ द वीकेस्ट रहते हैं। सो वो कहाँ का स्पोर्ट्स हुआ दोस्तों? स्पोर्ट्स वो होता है जहां पर
एक आदमी अपने पीक पे होता है और वो परफॉर्म करता है, एक स्विमर अपने पीक पे परफॉर्म करता है, एक वेट लिफ्टर अपने पीक पे परफॉर्म करता है। सो बॉडी बिल्डर अपने पीक पे परफॉर्म नहीं कर रहा है, बॉडी बिल्डर वो कर रहे हैं जिसमें वो वीक है, जिसमें वो परफॉर्म करते करते गिर जाते हैं। सो दैट इज नॉट कंसिडर एज अ स्पोर्ट्स। सो कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर कि बॉडी बिल्डिंग को स्पोर्ट्स क्यों नहीं कहा जाता, व्हाई बॉडी बिल्डर्स वन ऑफ द वीकेस्ट, सॉल्ट नहीं, अपना शुगर नहीं, कार्ब्स कम, बॉडी में फैट परसेंटेज तक कम, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है यार, वो वन ऑफ द वीकेस्ट ही रहेंगे यार। फैट गिव्स यू एनर्जी, अभी अपने प्योर मसल है, कुछ नहीं अंदर। सो ये काहे का स्पोर्ट्स यार, दिस इज जस्ट एन आर्ट, दिस इज नॉट अ स्पोर्ट्स। हाँ मतलब अगर आप अच्छी फिजिक बनती है सो यू लुक वन ऑफ द कूलेस्ट, एप्स दिख रहे हैं, सो वन ऑफ द कूलेस्ट, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, ये हो सकता है। मतलब कपड़े पहने तो जज करे आप पे, लेकिन बट दैट कैन नॉट बी जज एज अ स्पोर्ट्स। तो ये चीज का ध्यान रखना, ये आपको किसी ने नहीं बताया रहेगा, ये सिर्फ हम ही आपको बता रहे हैं, किसी ने नहीं बताया रहेगा भाई। नॉलेज वाली चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और आप लोग भी वही लोगों को फॉलो करते हो जो लोग आपको नॉलेज नहीं देते। सेम वर्कआउट बता रहे हैं, चेस्ट का ये वर्कआउट है, बैक का ये वर्कआउट है, कुछ नया कॉन्टेंट जो आपको फिटनेस फाइटर्स ही देगा। सो दोस्तों प्लीज फॉलो अस एंड डू शेयर दिस वीडियो। दोस्तों फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, वहां पर भी हम एक्सक्लूसिव वीडियो डालते हैं, लाइव आते हैं, लोगों से बात करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों स्टे फिट, स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।